कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, मुख्यमंत्री नई नई घोषणाएं करते जा रहे हैं जबकि पुरानी घोषणाएं अभी अधूरी हैं। उन्होंने कहा, कभी विकास पर मनाते हैं तो कभी विकास यात्रा निकालते हैं। अगर उन्होंने विकास किया होता तो जनता को महसूस होना चाहिए, उनके नेताओं को बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए तात्कालिक है और जितनी सारी ये घोषणाएं कर रहे हैं, क्या इन्होंने जो पहले घोषणाएं की थी क्या उसको पूरा किया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है मध्य प्रदेश सरकार के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए, कि जब आपने पुरानी घोषणाओं का पालन नहीं किया है तो ये नित नई घोषणाएं करने का क्या औचित्य है? नहीं बना पाए। आज कानून व्यवस्था देखिए, आप किसानों की हालत देखिए, आज सबसे ज़्यादा अत्याचार किसान भाइयों के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार में नंबर वन, अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर अत्याचार में नंबर वन, छात्रों की छात्रवृत्ति तक का तो भुगतान हुआ नहीं, स्कूल ड्रेस तक नहीं वितरित हुआ, साइकिलें वितरित नहीं हुई, तो फिर किस मुँह से ये बार बार कभी विकास पर्व मनाते हैं, कभी विकास यात्रा निकालते हैं।